नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल सिट्रिक्स वर्कस्पेस। सिट्रिक्स वर्कस्पेस को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सिट्रिक्स के लिए, जैसे कि हमें मैंने सर्च किया डाउनलोड सिट्रिक्स वर्कस्पेस। ये सर्च करके आप सबसे पहली वेबसाइट आएगी डाउनलोड सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप फॉर विंडोज। ये सिट्रिक्स टाइप प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से जाके आप, अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड फॉर विंडो पे जाके इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। फिर से डाउनलोड वर्कस्पेस फॉर विंडोज। ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है डाउनलोड। तो हमने लॉन्च किया है सिट्रिक्स वर्कस्पेस का सेटअप रन। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम में काफ़ी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है ऐसे केस में। ये सब तो नॉर्मल स्टेप्स है, आई थिंक कोई भी कर सकता है जब जिसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पता है। तो बाकी मेन स्टेप्स कॉन्फ़िगरेशन ही रहता है इंस्टॉलेशन के बाद। कुछ रजिस्ट्री के चेंजेस हैं जो हम करेंगे इसके अंदर। स्टार्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, ऐप प्रोटेक्शन। अगर आप ऐप प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट इसको अनचेक ही रहने देना चाहिए क्योंकि आपके कंपनी के सर्वर और आपके उसके अकॉर्डिंग इसको इनेबल डिसेबल किया जाता है। इंस्टॉलेशन हो रहा है। पहले सिट्रिक्स का वर्कस्पेस के बजाय सिट्रिक्स रिसीवर होता था, आपने देखा था, बट ये काफी इम्प्रूव्ड है। उससे लॉन्चिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिलायबल एप्लीकेशन है ये। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम दे रहा है। ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन डन हो जाए। अभी ये ऑटोमेटिक लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद इसमें हमें जो भी सर्वर वैरायटी जो हमें सेटिंग्स करनी होती है वो हम इसमें डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल्ड हो गया है। अभी इसमें हम ऐड अकाउंट पे जाते हैं और उसके बाद हमें हमारे जो भी सर्वर का सिटी सर्वर का जो लिंक होता है वो हमें ऐड करना होता है, ताकि उसके बाद हम आगे जब भी इसको लॉन्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी अकाउंट छोटा लाइक वो लॉगिन हो जाए। तो मान लीजिए हम इसके अंदर एक वैसे टाइप करके देख लेते हैं। मैं जस्ट इन्हें टेस्टिंग पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे chhr.com लिखता हूँ। तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, जो स्टेप्स हैं जो हमें इसके अंदर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें वो स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो 32-bit मशीन है उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर के अंदर सिट्रिक्स के अंदर ऑटो मैनेजर होगा, ठीक है। और अगर आपकी मशीन 64-bit है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर वो 64 32 नोड सिट्रिक्स ऑथ मैनेजर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके अंदर हमें सिंपली ये कनेक्शन सिक्योर मोड हमें उसके अंदर ऐड करना है। तो जाते हैं न्यू स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जाके लिखते थे ANYANY, ठीक है, ये हमें करना है। इतना करने के बाद हम रजिस्ट्री हमारी डन हो चुकी है। इसके बाद हमें रजिस्ट्री रूटर देना है बंद और उसके बाद हम सिट्रिक्स में दोबारा जाके उसको लॉन्च करेंगे।
आप देख पा रहे हो दोस्तों, अभी ये हमें एडमिट ऑप्शन दे रहा है जो कि पहले हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा टेस्ट अकाउंट तो इसके बाद ये लॉगिन होगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सिट्रिस के रिसीवर से सिट्रिस रिसीवर वर्कस्पेस से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।